मार्केट में घूम रही है मैडम, 15,000 रुपये निकलवा ली इसने बैंक से, ये कभी नहीं सुधरेगी। पता नहीं करने का जा रही है 15,000 का। ये तो वही पोस्ट बॉक्स है जिस पर उस ब्लैकमेलर ने चटानी जी को पैसे रखने को कहा था। ये मीना जागा रही है, चल के रही है, चुपचुपके मिठाई खाएगी, इसको आज ठीक करता हूं मैं। बॉक्स के डब्बे के बाहर क्या कर रही है तो भाई, कहीं फिर से कोई कांड तो नहीं कर रही है? ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये कर क्या रही है, उसकी खबर लेता हूं। भी अरे माता जी क्या करके, पैर नहीं दिख रहे क्या आपको? विक्रम भैया आगे मत बढ़िए, विक्रम भैया मैं हूं। भाभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? विक्रम भैया नक्शी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, कोई से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एमिली मीनाक्षी बनी हुई है और मैं उस ब्लैकमेल का इंतजार कर रही हूँ। और ब्लैकमेल कौन कर रहा है, किस आधार पे ब्लैकमेल कर रहा है? आप आ ही रहे हैं तो कहीं छुप जाइए, वो ब्लैकमेलर आता ही होगा। ठीक है भाभी मैं यहीं छुपाऊंगा, आप देखो क्या हो रहा है। जेठानी जी ने तो कहा था कि वो आसपास ही रहेंगी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। ये जेठानी जी भी पता नहीं कहाँ रह गई। डिब्बा छोड़ो, ये मिठाई का डिब्बा मेरा है। तुम्हारा कैसे हुआ, इसका कोई नाम थोड़ा ना लिखा है, ये मेरा है। मैंने कहा ना ये मिठाई का डिब्बा मेरा है। Thank you.
जेठानी जी, मैं पुलिस को बुला दूंगी, छोड़ दो मुझे। तुम अपनी पहचान खुद बताओगी या मैं तुम्हारा परिचय खुद दे दूं? बताओ कौन हो तुम? ये तो मैं जानती हूँ कि तुम हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानती हो। हटाओ ये पर्दा। बहुत खेल खेल लिया तुमने, अब वक्त आ ही गया कि तुम्हारा ये पर्दा हट जाए। सुधा, क्या ये हैं? बुरका बुरका, अरे अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रही थी तू? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं, तूने नीचे कैसे गिर गई? सुधा, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे पैसों की मांग कर सकती हो? पहले तुमने 5,000 मांगे, फिर 15 और अब सीधे 50,000। शर्म नहीं आई तुम्हें? जबकि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन के पास कोई पैसे नहीं है और वो अपने गहने तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी सारी मांगों को पूरी करी है। तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संध्या भाभी, वो क्या है कि मेरी सगाई हो गई थी। सगाई हो रही थी तो हाँ, अपनी बहन को लूटने का मतलब क्या है फिर उससे? जवाब दे। जीजाजी, वो लड़की वालों ने बहुत कुछ मांग लिया था हम लोगों से। अगर उन लोगों की मांग पूरी ना हुई तो वो सगाई तोड़ देते। और आप लोग तो जानते हैं ना, एक लड़की की सगाई टूट जाने से उसकी समाज में कितनी बदनामी होती है। बस इसी चिंता में थी मैं, इसी चिंता में जब मुझे जीजी ने चबूतरे पर गुलाबी पर्ची के बारे में बताया। जीजी, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जीजू साहब ने तुझे पैसे लाने के लिए कहते तो तू यहाँ चबूतरे पे आकर क्यों बैठी है? अरे मारे को क्या शौक है कि यहाँ चबूतरे पे खड़े रहने का? अपने आठे ना खड़े रहो ना तो वो गुलाबी पर्ची वाला मारा राज खुलते। राज खुलते, राज खुलते मार। बाबू घर से बात नहीं कर सकेंगे। गुलाबी पर्ची, राज, ये सब क्या है जीजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कौन से राज की बात कर रही है तू? ऐसी कौन सी बात है जो तूने सबसे छुपा रखी है? देख जीजी, मैं थारी बहन, जो कोई बात है मुझे बता दे। ऐसा ना हो कि तू कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाए। उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैं जीजी से पैसे मांग सकती हूँ, इसीलिए मैंने गुलाबी पर्ची का सहारा लिया और मैंने जीजी से पैसे मांग लिए। मुझे इस बात पर यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए जीजी मुझे पैसे जरूर देंगी, क्योंकि वो गुलाबी पर्ची वाले से बहुत डरी हुई थी। मुझे माफ कर दीजिए संध्या भाभी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है, पर मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुधा, तुम्हारे ब्लैकमेल करने की वजह तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण मीनाक्षी तुमसे ब्लैकमेल हो रही थी? मजबूरी में वो तुम्हें पैसे भी दे रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी, वो बताओ। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीना को ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पैसे और गहनों से, और इतने आराम से अगर वो पैसा और गहना दे रही है ना, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है।
देख सुधा, मैं आखिरी बार तुझसे प्यार से पूछ रहा हूं, मुझे सच सच बता बात क्या है। सुन मेरी बात, अब तू चुपचाप मुझे बता क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, मैं बता रहा हूं, बता मुझे क्या चल रहा है। मेरा यकीन मानिए जीजा जी, ये जीजी की रास के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूं भाभी सा, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, पक्का नहीं जानती? तो मतलब अपनी बहन को सिर्फ डरा रही थी, तू पैसे इतना चाहती थी, ये काम करते हुए शर्म नहीं है तुझे? मुझे नहीं लगता सुधा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सच सच बताओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बताओ। इधर आओ। तारे को याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि अगर मारे लड़का हुआ तो मैं भाभी सबसे अच्छी बहू बन जाऊंगी, सारी धन दौलत हमारे बेटे के नाम हो जाएगी। ये वाली बात हमारे दिल में घर कर गई। जीजी तो क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कान्हा को जन्म ना दिया, हमारे अस्पताल में बेटी हुई थी। उसी वक्त आयशा की बहू वो भी बेड से थी, उसकी भी डिलीवरी उसी अस्पताल में हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने अपनी बेटी को आयशा की बहू के बेटे के साथ बदल दिया और मैं बेटे की मां बन गई। जीजी तो ये तो क्या बोल रही है, खाना तेरी संतान ना है, तूने अस्पताल में बच्चे बदल दिए, तूने क्या कर दिया जीजी? उस वक्त जो मारे ठीक लगा वो कर दिया, बेटी का लालच था सिर्फ सुधा, सिर्फ बेटे का लालच, और किसी को पता भी ना चला। मगर तेरा पता नहीं है, गुलाबी पर्चे मेरे को पता नहीं कैसे पता चल गया। ये देख के लिखा इनको पता चल। रवि देख सुधा, अपना मारा सर घूम रहा है, थोड़ा पागल होने वाला हूं मैं, इससे पहले मैं पागल हो जाऊं मुझे सच सच बता दे, क्योंकि ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। उससे पहले और दिमाग घूमे मेरा, मुझे सच सच बता दे कि बात क्या है। जीजा जी, मिश्री आप ही की बेटी है। ये बात मुझे जीजी ने खुद बताई, बेटे की चाह में जीजी ने अस्पताल में दाईसा के बहू के साथ
अच्छा बदल दिया। खुशी मारी बेटी है, मेरी बेटी है, हमारी बेटी। इतना वक्त वो मेरी आंखों के सामने रही और मैं उसे पहचान नहीं सका। पड़ोस में रहते हुए मैंने मचलते हुए देखा भाभी उसको कई बार मेरी आंखों के सामने, जैसे वो मेरे पास आना चाह रही हो। मैं उसकी तड़प को समझ नहीं पाया। मेरी बच्ची से अलग कर दिया उसने मुझे। और मैं उसे ही बोलता रहा कि रेमीना कितनी प्यारी बच्ची है ना, मुझे इसकी ऐसी बच्ची चाहिए। कितना अनजान था मैं, क्यों मेरी तो बच्ची है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।